चलो दोस्तों शुरू करते हैं। राजन इकबाल और लाल हवेली का प्रेत। अच्छी स्टोरी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। यह लाल हवेली है। यहाँ रात के समय हमेशा मौत का छाया मंडराता रहता है। बस्ती के कई लोगों ने यहाँ एक विचित्र जीव को घूमते फिरते देखा है। लाल हवेली का मालिक कुछ दिन पहले रहस्यमय ढंग से मरा पाया गया था। एक दिन एक राहगीर लाल हवेली के पास से गुजर रहा था। आज खेत पर काम करते करते काफी रात हो गई। अरे यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद उस झाड़ियों के पीछे से। उआ, उ, तभी आई। बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को बापू, बचाओ। आई चीख सुनते ही जानवर लाश को छोड़कर लाल हवेली की ओर भागा। क्या हुआ, क्या बात है दीनू काका, बचाओ। वैनर बक्सी मेरे मेरे हम बच्चे को उठा ले गया, चलो मुखिया को बताए। मुखिया जी मेरे बच्चे को बचाओ, उस भयंकर जानवर ने उसे पकड़ लिया है। और वह क्या बचेगा दीनू काका, उसका तो खून पी चुका होगा वैनर बक्सी। पुलिस भी तंग आ चुकी है इस नर बक्सी को खोजते खोजते। अब इस बार वे लोग दो तीन लाशों की जांच करेंगे। यह जानवर मनुष्य का खून पीकर उसे एकदम निचोड़ डालता है, देखे पुलिस क्या पता लगाती है। इसका उपाय तो खोजना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे हम सब भी मर जाएंगे। रोज एक आध आदमी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हमें लाल वैली के मुंशी से बात करनी चाहिए, वह दिन में लाल वैली में ही रहता है और माली तो हवेली के पास बनी झोपड़ी में ही रहता है, उससे भी बात करनी चाहिए। सब लोग लाल हवेली की ओर चल देते हैं। चलो भाइयों सुबह ही कुछ सोचा जाएगा, दीनू काका घर जाओ, हम सब उस नर बक्सी के सामने लाचार हैं। सुबह शायद हवेली के मालिक का प्रेत हमें तंग कर रहा है। वह प्रेत इस तरह खून पीता है कि लाश बिल्कुल खोखली हो जाती है। मैंने तो सुना कि चंदन सिंह की वह नौकरानी डायन बनकर यह सब कर रही है, जो एक पेड़ पर रस्सी से लटकी हुई मरी हुई पाई गई थी। लाल हवेली का मुंशी गांव वालों से भारी मिलता है। मुंशी जी इन मौत की दुर्घटनाओं से हम सब लोग बहुत घबरा गए हैं, हर रोज कोई ना कोई आदमी मारा जाता है। मैं तो खुद परेशान हूँ, मरते वक्त मालिक ने कहा था जब तक उनका भांजा हवेली में आकर सारी जायदाद नहीं संभाल लेता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने उनके भांजे को पत्र लिखा है, वह दो चार दिनों में आ जाएगा, तब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। सब लौटते हैं। बेचारा मुंशी खुद भयभीत था, न जाने अब हम सब का क्या होगा। दूसरी ओर राजन इकबाल एक लाल हवेली की रहस्यमय वारदातों के समाचार दूसरी ओर राजन इकबाल तक लाल हवेली की रहस्यमय वारदातों के समाचार पहुंचते हैं। लाल हवेली के मालिक चंदन सिंह का भांजा राजन इकबाल का दोस्त था। जब उसे मुंशी का पत्र मिला तो वह हीरा पन्ना के पास आया। तो तुम वहां रहने जाओगे कुंदन, माँ किसी तरह राजी नहीं होगी, उन्हें अपने जादू टोने करने वाले भाई से घृणा थी और रोज रोज होने वाली हत्याओं की बातें सुनकर तो माँ कांप उठती है। तो फिर उस जायदाद का क्या होगा जो तुम्हारे मामा तुम्हारे नाम कर गए हैं। माँ ने मामा से तंग आकर ही लाल हवेली छोड़ी थी, माँ को मेरे भविष्य की चिंता है। सुनते हैं तुम्हारे मामा का भूत गांव वालों को तंग करता है। हाँ गांव वाले काफी परेशान हैं, उनका भूत ही शायद रोज किसी न किसी की हत्या करता है। कुछ भी कहो अपनी तो इस रहस्यमय हवेली को देखने की बड़ी इच्छा है, मैं वहां के लोगों को भय से मुक्त करना चाहता हूँ, इसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कुंदन। मेरी माँ को मना लो, मैं तुम्हारी हर मदद के लिए तैयार हूँ। तभी टन, हेलो कौन? अच्छा अच्छा इंस्पेक्टर खन्ना, क्या? अच्छा अभी हम आ रहे हैं। चलो इंस्पेक्टर खन्ना ने जरूरी काम से बुलाया है, कुंदन तुम भी हमारे साथ चलो। चलो तीनों इंस्पेक्टर खन्ना के पास पहुंचते हैं। नमस्ते अंकल। आओ आओ नमस्ते भाई, इस बार बहुत ही दिलचस्प केस है तुम दोनों के लिए। लेकिन अंकल इस बार हमने खुद ही एक केस चुन लिया है, यह हमारे दोस्त कुंदन के परिवार से संबंधित है। ठीक है पहले अपने दोस्त का केस निपटाओ,
पर मुझे बता तो दो क्या केस है। यह चंदनपुर की लाल हवेली का केस है जहां रोज कोई ना कोई मारा जाता है। क्या लाल हवेली वाला कांड उसी से तुम्हारे इस दोस्त का संबंध है? हाँ अंकल, क्या आपको भी उसकी जानकारी हो गई? जानकारी? अरे उसी केस के लिए तो तुम्हें बुलाया है क्या? हाँ भाई, वहां की पुलिस ने हमारे गुप्तचर विभाग को 3 लाशें जांच के लिए दी थी। जांच से पता चलता कि कोई जानवर आदमी को इस तरीके से नहीं खा सकता कि उसका सारा खून ही साफ हो जाए। उन लाशों की जांच से हमें और भी रहस्यमय और दिलचस्प केस लगने लगा है। इसका जिम्मा मैं तुम दोनों को देना चाहता था। इस केस को तुम पहले ही ले चुके हैं। तुम्हारे दोस्त का केस से क्या संबंध है? लाल वैली के मालिक चंदन सिंह मेरे दोस्त के मामा थे। मरते वक्त वे लाल वैली और अपनी जायदाद कुंदन के नाम कर गए हैं, लेकिन लाल वैली की रहस्यमय घटनाओं के कारण कुंदन की माँ उसे वहां जाने नहीं देना चाहती। वो यह बात है। खैर, कुंदन का वादा ना बहुत जरूरी है, तभी तुम लाल हवेली के अंदर का रहस्य ठीक से पता लगा सकते हो। आप ठीक कहते हैं, तो फिर तुम लोग वहां जाने की तैयारी करो। कुंदन को मैं इजाजत दिलवा दूंगा, वह तब तो मजा आ जाएगा। इंस्पेक्टर खन्ना के कहने पर कुंदन की माँ ने उसे इजाजत दे दी और वे तीनों चंदनपुर के लिए रवाना हुए। चंदनपुर के थाने में हम लोग लाल हवेली में ही रहेंगे। हमारी सहायता के लिए अपने जवान तैयार रखिए। आप चिंता न करें, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम फौरन मदद करेंगे। थाने से वे लाल हवेली पहुंचे। लगता है कोई मारा गया है, चलो देखते हैं। यह कौन था? यह लाल हवेली का माली था। कल ही इसने मुझसे कहा था कि इसने रात में मालिक को बाग में खड़े देखा था और आज यह बेचारा मौत के मुंह में चला गया। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। इकबाल, इधर जरा एक बात तो सुनो। हाँ क्या? लाश में तुमने एक बात देखी क्या? लाश नोची कसोटी गई है, लेकिन जमीन पर खून का एक भी धब्बा नहीं। ऐसी नोची हुई लाश का खून तो आसपास होना चाहिए। तभी मुंशी उनके पास आता है। आप लोग नए जान पड़ते हैं? हाँ, हम अपने दोस्त कुंदन के साथ यहाँ घूमने आए हैं। यह उसके मामा की हवेली है। कुंदन आ गया, कहाँ है? कुंदन आ गया, कहाँ है? वैरा हीरा, उसे यहीं बुला लाओ। बेटा तुम आ गए, मैं यहाँ का मुंशी हूँ। नमस्ते। कल ही वकील से सारे कागजात निकलवा कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा और इस मुसीबत से छुट्टी पा जाऊंगा। पहले हवेली में तो ले चलिए मुंशी चाचा। तुम लोग हवेली में चलो, मैं इस अभागे की लाश पुलिस के हवाले करके आता हूँ। यहाँ का मामला तो काफी संगीन लगता है। हाँ बस, अब उस आदमखोर जानवर के दर्शन और हो जाए। तुम लोग कौन हो? मैं कुंदन हूँ, चंदन सिंह का भांजा। ओ छोटे मालिक, आप आ गए। मैं यहाँ की नौकरानी कमला हूँ। आइए, आपके लिए मैंने कमरा साफ कर रखा है। यह आपका कमरा है और यह कमरा मालिक का विशेष कमरा था। इसकी चाबी मुंशी जी के पास है, इसमें तिजोरी भी है। अच्छा कमला, जरा चाय नाश्ता तो बना लाओ, हम लोग काफी थक गए हैं। अभी लो छोटे मालिक, आओ दोस्तों जरा अपनी थकान मिटा ले। तभी मुंशी आता है। कहिए छोटे मालिक, जगह पसंद आई? हाँ मुंशी चाचा, पर कुछ दिन रहकर मैं वापस चला जाऊंगा, अभी यहाँ रहने के इरादे से नहीं आया। फिर भी छोटे मालिक, मुझे तो यहाँ से जाना ही है। मैं आपको यहाँ की चाबियाँ दे दूंगा, वकील को खबर कर दूंगा, वह वसीयत के कागजात ले आएगा। हवेली के खर्चे का जिम्मा भी उसी का होता है। और यह रही तुम्हारे मामा के कमरे की चाबियाँ, छोटी चाबी तिजोरी की है। अच्छा मैं अब चलता हूँ, कल वकील के साथ आऊंगा, वह आपको सारा हिसाब किताब समझा देगा और मैं आपसे आखिरी विदा लूंगा। अब क्यों छोड़कर जा रहे हैं मुंशी चाचा? अब तो मैं आ ही गया हूं, लेकिन हवेली की रोज की दुर्घटनाओं को तो आप नहीं रोक सकते। मैं तो इसी कारण यहां से जल्दी जाना चाहता हूं। जैसी आपकी मर्जी मुंशी चाचा,
कल तो आप आ रहे हैं ना? हाँ, मैं कल वकील के साथ आऊंगा। कुंदन, अपने मामा के कमरे की चाबी मुझे दे दो, आज रात मैं वहीं सोऊंगा। ठीक है मालिक, चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए। भाई वाह, नाश्ते का तो मजा आ गया। अच्छा कुंदन, हम लोग जरा बाहर टहल कर आते हैं, आज से हमारा काम शुरू। हवेली के पिछवाड़े, यहाँ तो शाम पड़ते ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। पिस्तौल तैयार रखना, क्या पता उस आदमखोर से कब सामना हो जाए। तभी राजन यह देख किसी के पैरों के निशान हवेली की तरफ गए हैं, दो जनों के निशान हैं। इसका मतलब हवेली की तरफ यहां से कोई गया है। अरे राजन देख, हवेली के उस कमरे की बत्ती जली, पर वह कमरा तो कुंदन के मामा का है, चाबी तेरे पास है। हम लोग इस झोपड़ी के पास छिप जाते हैं, जो भी हवेली में गया होगा इसी रास्ते से लौटेगा। देख इकबाल, दो आदमी हवेली के पीछे वाले दरवाजे से निकल रहे हैं। वे दोनों तो इसी ओर आ रहे हैं, उनके हाथों में थैले लटक रहे हैं। पास आने दो, मैं मजा चखाऊंगा। जैसे वे दोनों आदमी पास आते हैं, इकबाल एक के थैले पर जोर से पत्थर मारता है। राजन चलो इनका पीछा करें। हाय मेरा ठेला, हाय मेरी पीठ तोड़ दी, क्या जमाना आ गया है। भाई 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 को मार रहा है। पंडित जी ने ठीक ही भविष्यवाणी की थी कि जल्दी ही मैं हवाई यात्रा करूंगा। माइकल जल्दी कार चलाओ, कितनी बार बता चुका हूं दरवाजे के रास्ते से कार में आया करो। दोनों भागने में सफल हो गए। चलो वापस उसी जगह पर चले। वापस उसी जगह लौट कर, वो खून, पर मैंने तो पत्थर थैले पर मारा था, कहीं थैले में लाश। मूर्ख, थैले में लाश कैसे आ सकती है। चलो लौट चले, यह तो साफ हो गया कि हवेली के अंदर ही गड़बड़ है। पर अब तो सुबह ही चलेंगे, रात यहीं कहीं गुजारेंगे। सुबह, अरे आप दोनों इतनी सुबह। हाँ हम दोनों सुबह घूमने गए थे। अरे तुम दोनों रात पर कहाँ थे। सर धीरे, हमारा आना संभव नहीं था, हमने पता लगा लिया है, हवेली में ही कुछ घोटाला है। क्या तुमने रात में मामा का कमरा खोला था, नहीं तो क्यों। वहां की बत्ती फिर कैसे जली। खैर आज रात मैं वहां सोऊंगा। रात को इकबाल अकेले ही उस कमरे में जाता है, यहाँ कोई रास्ता तो है नहीं। फिर रात को बत्ती कैसे जली, जरा तिजोरी खोल कर देखूं। वो ऊपर का खाना तो नोटों से भरा पड़ा है, अब नीचे का खाना खोल कर देखूं। अरे ओ तो यह बात है, तिजोरी के अंदर से तहखाने तक का गुप्त रास्ता है, जरा नीचे चल कर देखूं। तहखाने में, अरे यहां तो प्रयोगशाला बनी है, लाल दरों से बोतलें भरी पड़ी हैं। तो आगे चलकर देखता हूं, यह आदमी उस लाश को कहां ले जा रहे हैं। अरे यह लोग तो उसका खून निकाल रहे हैं, अब समझा, ये आदमी को मार कर उनका खून निकाल लेते हैं, बाद में उस खून का व्यापार करते हैं, लाश को बाहर फेंक कर उस जानवर को छोड़ देते हैं, ताकि लोग समझे जानवर आदमी को मारकर उसका खून पी जाता है। इकबाल यहां से भाग ले वरना तेरा खून भी। इकबाल तहखाने से वापस कमरे में आता है। अगले दिन सुबह, क्यों कुछ हाथ लगा। सारा भेद खुल चुका है, अब आज सारी योजना बनानी है। हवेली के नीचे प्रयोगशाला है, वहां आदमी के शरीर से खून खींचकर बोतलों में भरते हैं और उसे बाहर सप्लाई करते हैं। ओ तो उस रात भी थैलों में बोतलें ही होंगी, तुम्हारे पत्थर से बोतलें फूट गई होंगी। शाम को मुंशी जी वकील के साथ आते हैं। आइए नमस्ते। कुंदन ये वकील साहब हैं, ये वसीयत पर हस्ताक्षर कराने आए हैं। बैठिए वकील साहब, लाइए कागजात। हाँ यह लीजिए, हो गए हस्ताक्षर। बैंक में 10 लाख नकद तथा इतने ही रुपयों के जेवरात आदि हैं, 2 लाख रुपए हवेली की तिजोरी में है। अब मैं चलता हूं, आपके मुंशी बाबूलाल का हिसाब मैंने कर दिया है, धन्यवाद। चलिए सब लोग खाना खा लीजिए, अभी आते हैं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, मुझे भी विदा करें। मुंशी चाचा,
आज हमारे साथ खाना खाइए, रात को यहीं सोइए। इस वक्त आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, सुबह आराम से जाइएगा। यही वक्त है तिजोरी पर हाथ साफ करने का, बाकी जिंदगी मजे से कटेगी। ठीक है कुंदन बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, आज यहीं रुक जाता हूँ। भोजन करने के बाद, यह लीजिए चाबी, आप मामा जी के कमरे में सो जाइए, डर तो नहीं लगेगा आपको? नहीं नहीं डर कैसा, आप लोग तो है ही, मैं अकेला सो जाऊंगा। अच्छा शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बच्चों। हम मौका तिजोरी साफ करने का। दूसरे कमरे में, राजन तुम हवेली के पीछे जाओ और पिछले दरवाजे पर निगाह रखो, किसी को बाहर मत निकलने देना, मैं यहाँ निगाह रखूंगा, आज रात शायद कुछ होगा। ठीक है कुंदन, मेरा इशारा मिलते ही पुलिस को फोन करना। ओके। तभी अचानक आई, सावधान, यह चीख मामा के कमरे से आई है। इकबाल कमरे का ताला गोली से उड़ा देता है। यह चीख कैसी थी इकबाल, आओ देखे, वो मुंशी जी भी नहीं रहे। अरे यह आदमी कौन खड़ा है? आह हाह हा, मैं हूं चंदन सिंह। मामा तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूं, असल में मरा तो मेरा बड़ा भाई था जो मेरा हमशक्ल था, और मैंने उसे तहखाने में कैद कर रखा था। हाथ ऊपर उठा लो चंदन सिंह, तुम बहुत बड़े हत्यारे हो, मैं सब देख चुका हूं, तुम खून का व्यापार करते हो। मामा तुम आदमी नहीं खूनी दरिंदे हो। आहा अच्छा तो तुम सब जान चुके हो, तब क्या छिपाना, मैं सचमुच खून और मनुष्य की आंखों का व्यापार करता हूँ। विदेशों में इन दोनों चीजों की बड़ी मांग है, और इस धंधे में पूंजी भी नहीं लगानी पड़ती। कस्बे के किसी भी आदमी को मारकर प्रयोगशाला में उसका सारा खून और आंखें निकालकर सुरक्षित रख लेते थे, फिर एक पालतू विदेशी जानवर को लाश पर छोड़ देते थे। चूंकि वह जानवर खून का शौकीन है, पर लाश में उसे खून नहीं मिलता तो वह उसे नोचता खसोटता है, लोग यही समझते हैं कि जानवर ने आदमी को मारा है। इस तरह किसी को शक नहीं होता था कि हत्या तुम और तुम्हारे साथी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, वैसे तुम लोग हो काफी चालाक। कुंदन बेटा, यह धन मैं तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूं, मेरे जिंदा रहते तुम यहां कभी ना आते, इसलिए मैंने अपनी मौत का सुहांग रचा, मेरा तुम्हारे सिवा और कौन है? ऐसे रुपए पैसे पर मैं थूकता भी नहीं जालिम। बातें तो भूत हो गई। अच्छा हो चंदन सिंह, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे इतनी महंगी गोली तुम पर बर्बाद करनी पड़ जाएगी। मार दो इसे, इसने कई निर्दोष लोगों की हत्या की है। तभी अचानक शर्म नहीं आती, बड़ों पर पिस्तौल उठाता है। चंदन सिंह गुप्त द्वार से तहखाने में भागता है। इकबाल तुम हवेली के पीछे जाओ, कुंदन तुम पुलिस को फोन करो, मैं तहखाने में जाता हूं। तहखाने में सब लोग पिछले दरवाजे से भाग जाओ, मैं जानवर को खोल देता हूं। और जानवर राजन पर झपटता है। बेटा आदमखोर क्यों झपटा मुझ पर, देखता नहीं मेरे हाथ में बंदूक है, इससे लोग मर जाते हैं। ईयो, खैर तेरी मर्जी, मरने की थी सो मैंने पूरी कर दी। दूसरी ओर पिछले दरवाजे से जैसे ही चंद्र सिंह के आदमी निकलते हैं, सब ऊपर हाथ उठाकर चुपचाप खड़े रहो, वरना तभी पुलिस आ जाती है। तो चंदन सिंह तुम हो इनके सरदार? चंदन सिंह को कोई नहीं पकड़ सकता, वह आजाद पैदा हुआ, आजादी से जिया और आजादी से चलो अच्छा हुआ, एक और पापी धरती से कम हुआ। राजन इकबाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, यह तो हमारा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब। बाद में, राजन इकबाल जिंदाबाद, राजन इकबाल अमर रहे। भाइयों लाल हवेली का अंतक अब खत्म हो गया है, अब यहाँ किसी की हत्या नहीं होगी, भूत प्रेत या जानवर अब कुछ नहीं है, आप लोग धन्य हैं। समाप्त दोस्तों, इतनी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी।